कास्ट एंड साइंस के अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिक जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रक्रियात्मक समूह। कार्बन यौगिकों की नामबद्ध है हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आपने देखे होंगे जो अम्ल हैं, क्लोरो ब्रोमो लगते हैं हैलोजन में, तो ये किस प्रकार से लगते हैं इसका हम अध्ययन करेंगे और नाम किस प्रकार से कार्बन यौगिक का दिया जाता है, जो भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका नाम किस तरह से होता है इसका हम अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रक्रियात्मक समूह, जो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप प्रक्रियात्मक समूह जिसे कहते हैं, परमाणु अथवा परमाणु का समूह जो कार्बन यौगिकों की अभिक्रियाशीलता बताता है और उसके गुणधर्मों और जो क्रियाएं हैं उनको सुनिश्चित करता है, उनको प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। कार्बन यौगिकों के जो प्रक्रियात्मक समूह है, प्रकार्यात्मक फंक्शनल ग्रुप जिसे कहते हैं, इसमें हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आते हैं। तो जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो लगाते हैं, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लगाते हैं, और एल्कोहल जहाँ पर जुड़ा होगा। प्रकारात्मक समूह को थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई कार्बन का कोई ग्रुप है, कार्बन की कोई चेन है, कार्बन की चेन में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और कार्बन लगा रहता है हाइड्रोकार्बन में, कई बार उसकी जो प्रॉपर्टी अलग हो जाती है उसके ग्रुप के कारण, उसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसके कारण। तो वो क्या क्या फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन की जगह पर अगर क्लोरीन ब्रोमीन लगता है तो क्लोरोएथेन ब्रोमोएथेन ऐसा उसको बोल देते हैं, ठीक है। जैसे अल्कोहल है, कोई अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है, ठीक है। OH जहाँ पर लगा होता है तो वहाँ पर अल्कोहल उसे कहा जाता है, वो हाइड्रोकार्बन क्या होगा, अल्कोहलिक होगा। इसी प्रकार एल्डिहाइड कहीं पर लगता है जिसमें सी और डबल बॉन्ड O वहाँ पर लगता है। कीटोन में क्या होता है, उसमें भी सी डबल बॉन्ड O, उसमें H के साथ लगता है एल्डिहाइड में, सी डबल बॉन्ड O और H दो लगते हैं इसमें, एल्डिहाइड CHO जिसे कहते हैं। और जो कीटोन है उसमें सी डबल बॉन्ड O लगता है, और कार्बोनिक अम्ल में क्या लगता है, सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, ठीक है। कीटोन में आप देख लीजिए यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ और अगल बगल कार्बन लगेंगे, ठीक है। और एल्डिहाइड में देखिए सी एच और ओ, ऐसे ओ डबल बॉन्ड होगा उसके साथ एच होगा, और कार्बोक्सिलिक में क्या होगा, सी के साथ ओ एच और ओ डबल बॉन्ड होगा। थोड़ा सा इनमें अंतर है, ये देख लीजिए। अब इसी में कार्बन यौगिक जो नाम पद्धति है, जैसे आप कहीं पर भी किसी कार्बनिक यौगिक के नाम से जानेंगे तो नाम किस प्रकार रखा जाता है इसका हम अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। प्रक्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप की प्रकृति के आधार पर पूर्व लग्न जिसे कहते हैं जो पहले लगा, और अनुलग्न जो बाद में लगता है, के द्वारा संशोधित करके यौगिकों का नाम उनकी कार्बन श्रृंखलाओं पर आधारित होता है। उसमें क्या है कि किसी कार्बन यौगिक का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले क्या करना है आपको, कार्बन के परमाणु की संख्या, जैसे कार्बन एक है तो आप मीथेन बोलते हैं, कार्बन दो है तो एथेन बोलते हैं, कार्बन तीन है तो आप प्रोपेन बोलते हैं, ऐसे ब्यूटेन बोलते हैं, कार्बन की संख्या के आधार पर। अब प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में इनको पूर्व लग्न अथवा अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम को दर्शाया जाता है। अब उसके साथ अगर कोई समूह लगा है जो मैंने अभी बताए प्रक्रियात्मक समूह, तो उसके अनुसार उसका नाम बदल। प्रक्रियात्मक समूह का नाम पूर्व लग्न के आधार पर दिया जाता है तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत में ई हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। असंतप्त कार्बन श्रृंखला के नाम में दिए गए अंतिम जो है ए एन ई को दी गई सामग्री के अनुसार ई एन ई, एथेन, मैथेन, आप देखते हैं मिथाइन, तो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जो एथेन है उसमें क्या होता है, असंतप्त होता है, असंतप्त में जो डबल बॉन्ड होंगे वो होंगे एथीन और एथाइन, ये असंतप्त होते हैं। जैसे डबल बॉन्ड है
तो उसमें एथेन को एथीन बोल देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो जो एथेन था एथाइन हो जाएगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से जो बंध है वो होते हैं। प्रकृतियों समूह के आधार पर युग्मों का जो वर्ग है, जैसे हैलोजन है, हैलोजन कहीं पर अगर लगता है, जैसे मैंने अभी कहा ना कार्बन के साथ अगर बी आर लगाया तो पूर्व लग्न क्या हो जाएगा, ब्रोमो, बी आर लगा तो ब्रोमो, ठीक है, पूर्व लग्न धन कार्बन के परमाणु की संख्या। अब किसी एथेन में लगा है तो एथेन का मतलब पूर्व लग्न बी आर है तो ब्रोमो एथेन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे सी एच थ्री सी एल है, सी एच थ्री एथेन है, ठीक है, उसमें सी एल लगा है तो क्या बोल देंगे, क्लोरो मैथेन। सी एच थ्री क्या होता है, मेथेन होता है, और सी एच थ्री सी एल क्या होगा, क्लोरो मैथेन, ठीक है। इस प्रकार से एथेन में भी, ब्यूटेन में भी, वहाँ पर पूर्व लग्न क्लोरीन लगाया तो क्लोरो, और ब्रोमीन लगा तो पूर्व लग्न ही लगेगा, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो ब्यूटेन, ऐसे लगेगा, ठीक है। और अगर एल्कोहल लगता है, एल्कोहल जैसे आप देखिए एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ओ एच होता है, जैसे ओ एच, ठीक है। तो अब उसको कहते क्या है, जैसे मेथेन है, मेथेन में कहीं पर ओ एच लगा है, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर दो कार्बन है इसमें, ठीक है, दो कार्बन दिख रहे हैं आपको, सी एच थ्री सी एच टू, और इसमें लगाया एक प्रक्रियात्मक समूह ओ एच, जिसको कहते हैं एल्कोहलिक ग्रुप। तो सी एच थ्री सी एच टू है तो दो कार्बन है इसमें, ठीक है, तो दो कार्बन वाले को एथेन बोलते हैं हम, ठीक। अगर इसमें ओ एच ग्रुप लगाया तो एथेन लगा के ऑल लगाते हैं, एथेनॉल आगे को क्या लगेगा, ऑल एथेनॉल, ठीक है। ऐसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन में अगर लगाया कार्बन की संख्या चार होगी ब्यूटेन में, तो ब्यूटेन में क्या होगा, ब्यूटेनॉल। इस तरह से हैलोजन के लिए, अब यहाँ पर एक चित्र की मदद लीजिए आप, यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं आप, इसमें जैसे कार्बन की संख्या देखिए, कार्बन वन टू थ्री, थ्री कार्बन है तो क्या होना चाहिए, प्रोपेन होना चाहिए। अब सी एल लगा है पहले वाले में, देखिए हैलोजन में सी एल लगा है, हैलोजन में देखिए पूर्व लग्न अगर सी एल लगाया तो क्या होना चाहिए, क्लोरो, और ब्रोमीन लगाया तो ब्रोमो, तो यहाँ पर क्लोरीन लगा है, अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन लगा है, हाइड्रोजन था पहले इसमें, हाइड्रोजन की जगह पर रिप्लेस होके क्लोरीन लगाया तो क्लोरो प्रोपेन हो गया, अब ये प्रोपेन न रह के क्लोरो प्रोपेन रहेगा, ठीक है। और इसी तरह ब्रोमीन ब्रोमो अगर प्रोपेन में लगाया तो ब्रोमो प्रोपेन है, ये हो जाएगा, ठीक, ब्रोमो प्रोपेन। अब एल्कोहल के लिए देखिए, एल्कोहल के लिए जो है उसको जैसे प्रोपेनॉल ऑल लगाते हैं, उसका नाम हो जाए प्रोपेन न रह के प्रोपेनॉल, एथेन न रह के एथेनॉल, मेथेन न रह के मेथेनॉल, ब्यूटेन न रह के ब्यूटेनॉल, ये लगता है। जहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले प्रोपेन में क्या था, एच था यहाँ पर, अब यहाँ पर ओ एच ग्रुप लग गया, ओ एच एल्कोहलिक ग्रुप होता है, तो इससे इसमें ये कार्बन की संख्या एक दो तीन है, तीन कार्बन की संख्या प्रोपेन होता है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक। उसी तरह एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में क्या लगता है, सी के डबल बॉन्ड ओ और एच, तो अनुलग्न क्या होता है इसका, बाद में क्या लगता है, जैसे प्रोपेन है तो प्रोपेन है तो प्रोपेनल लग जाएगा, मेथेन है मेथेनल लग जाए, और मेथेनल, और एथेन है तो एथेनल लग जाए, अल हो जाएगा, अल ए एल अल लास्ट में अल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ग्रुप देखा नहीं आपने, कार्बन की संख्या आपने पता है आपको तीन है दो है क्या है करके, तो उसका अनुलग्न जो बाद में जो लगेगा वो अल हो जाएगा, जैसे मेथेन है तो मेथेनल हो जाएगा, एथेन है तो एथेनल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह कीटोन है, कीटोन में ओ एन ई लगता है, और ग्रुप क्या होगा उसका, सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे आप बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर क्या है अनुलग्न ओन लग जाएगा, जैसे प्रोपेन है प्रोपेनॉन, ठीक है, ब्यूटेन है ब्यूटेनॉन। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या होता है, सी ओ ओ एच कहते हैं इसको, सी डबल वन ओ और ओ एच एक साथ लगा है, इसको कहते हैं
ओइक,